Calls his name? All the issue facts. Now, the causes, there are some controllable decisions. If you are in marketing, Kushali Bank mein hai, ya, hospital mein, Shifa Hospital mein hai, ya, program manager hai aur plan अंदर एक प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो प्रोग्राम डिसीजंस हैं या आपके मार्केटिंग डिसीजंस हैं अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं तो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर आप किसी डिसीजन मेकिंग रोल के अंदर हैं आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट के अंदर हैं यू हैव टू मेक डिसीजंस और मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं कि यू कैन मेक फोर डिसीजंस रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स प्राइस प्रमोशन प्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर भी आपके डिसीजन कौन सा प्रोग्राम आपने लॉन्च करना है किस जगह पर आपने लॉन्च करना है उसकी कॉस्ट क्या होगी आपकी और आपके वो जो कम्युनिटी के चैनल्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन वो आपके क्या होंगे तो यू कैन यू हैव टू मेक डिसीजन इफ योर डिसीजन आर कंट्रोलेबल तो वो आपके लेफ्ट साइड पर आएंगे यानी कोई भी डिसीजन लेकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली देर आर सर्टेन सिचुएशनल फैक्टर्स जिसको आप कहते हैं अनकंट्रोलेबल उसमें वो कल्चरल इश्यूज हैं सोशल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिकल चेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं डिमांड है ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं और बोथ ऑफ दीज आर कॉजिंग इफेक्ट ऑन कस्टमर्स कम्युनिटी या पब्लिक एटीट्यूड है क्योंकि आपने एटीट्यूड को चेंज करना है चेंज मैनेजमेंट के एजेंट के तौर पर काम कर बिहेवियर अगर आपके अगेंस्ट उसको फेवर में नहीं चला है एटीट्यूड में अवेयरनेस नॉलेज लाइकिंग प्रेफरेंस इंटेंट टू बाय है या आपका वो इंटेंट टू यूज पिक रिक्शा वो वाला आपका मोड है तो एटीट्यूड है और बोथ ऑफ दीज कंट्रोलेबल डिसीजन एंड अनकंट्रोलेबल डिसीजन आर कॉजिंग इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ योर वो स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल जो आपके बोरर्स हैं या उनकी कम्युनिटी है वो इससे इफेक्ट होती है और दिस इज ऑल्सो मेजरेबल